करीब 1.5 वर्ष पूर्व मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव में बसपा नेता कलामुद्दीन हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी का कनेक्शन व दुबई से धमकी देने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही फरार दो आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों के खिलाफ इनाम की घोषणा व कुर्की की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। बता दें कि 15 फरवरी 2021 में बसपा के नेता कलामुद्दीन की चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन दो आरोपित अली शेर व मशरूफ फरार हो गए थे। जांच में यह पता चला कि हत्याकांड की साजिश दुबई में रची गई थी। घटना में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी बीच बसपा नेता कलामुद्दीन के परिवार को दुबई से धमकी दी जाने लगी, जिससे पीड़ित परिवार खौफजदा है। दूसरी तरफ इस हत्याकांड में अब माफिया मुख्तार अंसारी का कनेक्शन भी सामने आया है। बसपा नेता के हत्याकांड में बदमाशों ने माफिया मुख्तार के गुर्गों की मदद भी ली थी। फरार दोनों बदमाश अली शेर व मशरूफ मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े बताए गए हैं। पीड़ित परिवार को दुबई से धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष से कलामुद्दीन हत्याकांड में दो बदमाश अब भी फरार चल रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने NBW प्राप्त कर 82 की कार्रवाई की है और भगोड़ा घोषित किया गया है। 1 माह के बाद इनके खिलाफ 14A का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कुर्की की कार्रवाई के साथ इनाम की भी घोषणा की जा रही है। साथ ही इनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार फरार आरोपियों के बारे में मुख्तार अंसारी गिरोह या धमकी दिए जाने के मामले को विवेचना में शामिल किया जा रहा है। इसकी पुष्टि होने के बाद अगर घटना में और भी लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।